महिंद्रा कुछ टाइम से अपनी कार्स को रोड पे टेस्ट कर रहा है और रिसेंटली स्कॉर्पियो के जैसे दिखने वाली एक कार की एक्सटीरियर और इंटीरियर की पिक्चर जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हुई हैं, जिसने फिर से स्कॉर्पियो की फोर्थ जनरेशन को चर्चा में ला दिया है। जो स्पाइड इमेजेस में कार दिखी वो थर्ड जनरेशन स्कॉर्पियो से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बेटर है, उसका डिज़ाइन अलग है, उसके अंदर कंप्लीट चेंज आपको इंटीरियर मिल रहा है, वो सेफ्टी फीचर से लोडेड होने वाली है और महिंद्रा ऐसा भी कहता है कि इस कार में महिंद्रा आपको मैक्सिमम अपग्रेड्स प्रोवाइड करेगा। और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि हम इस कार के ऊपर कोई वीडियो बनाएं, तो लीजिए हम हाजिर हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो 2021 की सारी जानकारी लेकर के। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। तो आज हम अच्छे से जानेंगे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो के फोर्थ जनरेशन में आपको क्या क्या नया मिलने वाला है, इसमें आपको क्या नए फीचर्स मिलेंगे, इसमें आपको एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, डिज़ाइन वाइज क्या चेंजेस मिलेंगे, इसके इंटीरियर को किस तरह से बनाया गया है, इसमें क्या सेफ्टी फीचर्स आपको दिए गए हैं, ये कितने पैसे की आने वाली है और इन दी एंड ये कब लॉन्च होगी। और वीडियो के एंड में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और आप हमारी छोटी सी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके होंगे। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कोई बात नहीं, हमारी वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि वीडियो के एंड तक आप कर ही दोगे। तो मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा वो वेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू ही होगी, बट तब भी उसकी 100% गारंटी नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ वो आपको गाड़ी में आगे जाकर के मिल जाए। आपको फाइनल इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में जब महिंद्रा ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेगा तभी आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और उसी इन्फॉर्मेशन को इनफैक्ट मानना भी चाहिए। बट अभी जो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है और जस्ट इन केस अगर आप लोगों के किसी दोस्त को स्कॉर्पियो लेने का मूड है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं कि ये फोर्थ जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, वो इसे थर्ड जनरेशन भी कहते हैं और फोर्थ जनरेशन भी कह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोर्थ जनरेशन स्कॉर्पियो होने वाली है। 2002 में सबसे पहले स्कॉर्पियो लॉन्च हुई, 2001 में नहीं 2002 में लॉन्च हुई और 2002 से 2006 तक इसका फर्स्ट जनरेशन चला। उसके बाद में 2006 में इस गाड़ी को पहला फेसलिफ्ट मिला, फिर 2009 से 2014 तक इसका सेकंड जनरेशन आया जहां पर आपको SLE, SLX और VLX वाला वेरियंट देखने को मिला। उसके बाद में 2014 में कार में थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस करके, थोड़े से एक्सटीरियर को चेंज करके, उसके इंजन को और ज़्यादा अच्छा करके, उसके सस्पेंशन को चेंज करके उन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो ने अपना थर्ड जनरेशन लॉन्च करा जो कि अभी तक के चल रहा है और ये S3 से लेकर के S11 वेरिएंट में आता है। 2014 में जब इसका प्लेटफॉर्म चेंज करा इसके थर्ड जनरेशन में, उससे स्कॉर्पियो जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई, और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और लोग इसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगे। बट अगर स्कॉर्पियो में ऑलरेडी सारी चीज़ दे ही दी गई है तो फिर हम आज ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो महिंद्रा ऐसा क्या देने वाला है अपनी 2021 स्कॉर्पियो में जिसकी वजह से आज आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। नंबर 1, ये कार एडवांस कार क्रैश नॉर्म्स के साथ इवॉल्व लैडर ऑन प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है जिसके ऊपर अभी हमारी करेंटली थार भी बेस्ड है। रिसेंटली महिंद्रा ने स्कॉर्पियो स्टिंग के नाम से भी एक नाम को ट्रेडमार्क करवाया है। तो ये भी हो सकता है कि आपको 2021 में जो स्कॉर्पियो का फोर्थ जनरेशन आने वाला है वो एक नए नाम के साथ भी देखने को मिल सकता है। नंबर 2, इंजन। अब इसके इंजन में क्या चेंजेस हैं? इसमें आपको दो इंजन के ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसमें आपको पहला मिलेगा 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन और दूसरा इंजन का ऑप्शन जो है वो आपको 2 लीटर का एम स्टालियन पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मतलब आप स्कॉर्पियो आपको पेट्रोल में भी देखने को मिलेगी और महिंद्रा ने ये स्टेप इस वजह से लिया है बिकॉज आप देख रहे हो फ्यूचर नॉर्म्स किस तरह से चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे एनवायरमेंट के, अगर आप एनवायरमेंट को थोड़ा सा मद्देनजर रखो तो उसके अकॉर्डिंग डीजल व्हीकल्स जो है वो एनवायरमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा हार्म करती हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स। ये दोनों ही इंजन के ऑप्शंस में आपको 6-speed ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक और मैनुअल, और उसी के साथ साथ अब आपको स्कॉर्पियो जो है वो ऑल व्हील ड्राइव में भी देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली ये इंजन के चेंजेस थे, इंजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करे गए हैं बट हाँ आपको एक पेट्रोल का इंजन दे दिया गया है और आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा आप स्कॉर्पियो में। नंबर 3, एक्सटीरियर।
जिस हिसाब से इसकी स्पाइड इमेजेस देखा गया है, उस हिसाब से जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नई 2021 स्कॉर्पियो होने वाली है वो थर्ड जनरेशन स्कॉर्पियो से बड़ी है, उससे ज़्यादा वाइड है। मतलब कुल मिला के गाड़ी जो है चौड़ी भी है और लंबी भी है, बट इसकी जो रूफ स्पेस है उसको थोड़ा सा डिक्रीज करा गया है। जैसे कि आप रेंज रोवर देखते हो ना, तो ऐसे वो ऐसे स्लांट होकर के आता है, आगे ऊपर होती है और ऐसे पीछे से थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो कुल मिला के इसी तरह से आपको थोड़ा सा नई वाली स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ इसके डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा चेंज करा गया है। इसमें थोड़े से स्कॉर्पियो के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आते हैं, बट लगता है कि ये एकदम नई गाड़ी है। उसी के साथ साथ इस कार में आपको अपराइट फ्रंट प्रोवाइड करा गया है, और इस कार का जो वेट है वो भी कंपैरेटिवली थर्ड जनरेशन स्कॉर्पियो से ज़्यादा लाइट रखा गया है। इस कार में आपको नया मस्कुलर बम्पर मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपको इसमें नया ग्रिल भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको इस कार में DRL का ऑप्शन मिल जाएगा, डबल बैरल प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और LED टेल लाइट्स भी मिल जाएंगी। अब अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे, इसमें आपको 17 इंच के मल्टी स्पोक ब्रांड न्यू अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, और बेटर हैंडलिंग के लिए महिंद्रा आपको इस कार में रियर डिस्क ब्रेक्स भी प्रोवाइड करेगा, और उसी के साथ साथ आपको इस कार में सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये हमारे पॉइंटर्स निकले इसके एक्सटीरियर को लेकर के। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है एज ऑफ नाउ। तो थर्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को अगर आप देखो तो उसके कंपैरिजन में ये जो 2021 स्कॉर्पियो आने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा नई होकर के आएगी, एकदम नया डिज़ाइन, बहुत ही सारी नई नई चीज़ें। बट इसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियो है उसके एलिमेंट्स थोड़े ज़रूर डाले जाएंगे ताकि ये लगे कि ये स्कॉर्पियो का ही अपडेटेड वर्जन है, जैसे कि इसकी ग्रिल और इसके फ्रंट लुक बेसिकली। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जब आप इसके इंटीरियर में जाते हो तो इसमें आपको कम्प्लीटली न्यू और प्रीमियम डैशबोर्ड मिलने वाला है। उसके बाद में इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा। इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे उसके नीचे आपको डुअल क्लाइमेट चेंज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा, AC के सारे बटन्स आपको उसके नीचे मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको मीडिया कंट्रोल करने का पूरे ऑप्शंस, वहीं सारे फंक्शंस जो है वो वहीं पर प्रोवाइड होंगे। फिर आपको हैजर्ड लाइट का वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद में आपको रियर AC का बटन वहाँ पर मिल जाएगा, उसके बाद जो आपका हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम है उसका बटन भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, और इसी के साथ साथ आपको 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन का भी जो भी पूरा फंक्शन है वो भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे ही देखने को मिलेगा। अब गाड़ी के सेंटर कंसोल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, यानी कि बीच के सिस्टम के बारे में। वहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, उसी के साथ साथ आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन इस कार में आपको अवेलेबल होगा। इस कार में आपको ब्रांड न्यू और अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पीडोमीटर होगा, टेकोमीटर होगा, रेंज XYZ, अगर कोई टायर का प्रेशर कम है, तो सारी चीज़ें आपको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखने को मिल जाएंगे। आप इसके स्टीयरिंग पे देखो तो आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मीडिया बटन, जो भी ऐसे गाना वाना बजाते हो वो सारी चीज़ों के ऑप्शन तो वहाँ पर रहेंगे। उसी के साथ साथ आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको इस कार में कीलेस एंट्री मिलेगी और पुश स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन भी मिलेगा। 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो फोर्थ जनरेशन का जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा लोडेड है, ये काफ़ी ज़्यादा फीचर से भरा हुआ है। ऐसा एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियो में ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बिकॉज महिंद्रा स्कॉर्पियो एक पावरफुल गाड़ी तो थी ही थी, बट ये एक एडवांस गाड़ी नहीं थी। बट ये जो इसका फोर्थ जनरेशन आने वाला है ये पावरफुल के साथ साथ एडवांस्ड भी होगा। नंबर 5, सेफ्टी फीचर्स। तो 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको सेफ्टी फीचर्स जो मिलने वाले हैं, उसमें आपको डुअल ABS का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद में आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद में आपको रियर डिफॉगर और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद में इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, इंजन इमोबिलाइजर का ऑप्शन मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, और सीट बेल्ट रिमाइंडर के जैसे ऑप्शन जो कि बेसिक ऑप्शन होते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अगर सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करो महिंद्रा स्कॉर्पियो के फोर्थ जनरेशन के बारे में, तो इसमें कंपैरेटिवली पिछले वाले स्कॉर्पियो से तो बहुत सारी चीज़ें अब नई दे दी गई हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, आपका रेन सेंसिंग वाइपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है, बिकॉज अभी करेंटली जो कार्स आती हैं मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होकर के आती हैं। द लास्ट पॉइंट, प्राइस एंड लॉन्च डेट।
तो इस कार का जो लॉन्च है वो ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हो चुका है, बट ऐसा देखने को आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस कार को जो है आपको इस साल के एंड तक के, आपके नवंबर दिसंबर तक के ये कार आपकी जो है वो लॉन्च होने वाली है। और जस्ट इन केस अगर ये कार इस साल लॉन्च नहीं होती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कार 2022 की स्टार्टिंग में लॉन्च करी जाए। अब इसकी प्राइसिंग कितनी होने वाली है, जो हमारी ओल्ड स्कॉर्पियो है यानी कि जो अभी करंट स्कॉर्पियो है वो आपकी 12 से लेकर के 20-22 लाख रुपए तक के जाती है, बट ये जो आपकी नई स्कॉर्पियो आने वाली है ये 14 से लेकर के 24 लाख रुपए तक की जाएगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट्स जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो 2021 फोर्थ जनरेशन को कवर करते थे। ये जो भी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है ये अभी तक की सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, और आप इसको शेयर और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर कोई महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। तो ओवरऑल ये जो नई स्कॉर्पियो आ रही है इसमें आपको इंजन में थोड़े से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसका एक्सटीरियर और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा चेंज करा गया है, उसके बाद में इसके एक्सटीरियर को काफ़ी ज़्यादा एडवांस करा गया है, इसमें आपको सनरूफ देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिकॉज स्कॉर्पियो इंडिया की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा SUVs में से एक है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और जस्ट इन केस अगर आपको हमें कोई बात बतानी है या हमसे कुछ बात करनी है तो आप रोलिंग विद सायन या फिर रोलिंग पिस्टन जो हमारी इंस्टाग्राम ID है वहाँ पर जाकर के भी यू कैन लीव अ मैसेज एंड वी विल गेट बैक टू यू। और ऐसे हमें लाइक करते रहें, हमें पसंद करते रहें ताकि हम भी आपको इस तरह से कंटेंट लाते रहें बिना किसी रुकावट के। तो अब मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेहतर और नया कंटेंट ढूंढने के लिए जो आप लोगों को आपके घर के कम्फर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। टिल देन व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज दैट यू गाइज हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड यू गाइज हैव टू स्टे सेफ एट योर होम एंड यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पिस्टन सलाम।